नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएमटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ। खबर मुरैना से। अज्ञात लोगों द्वारा शहर में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। कोरोना कर्फ्यू के रहते हुए भी बदमाशों के हौसले बुलंद नहीं रहा। पुलिस प्रशासन का डर, बेखौफ हुए अपराधी। अज्ञात लोगों ने रैली निकालकर ताबड़तोड़ फायरिंग की। शहर के बनखंडी रोड पर एक दर्जन से अधिक राउंड फायर किए। फायरिंग में एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई। घायल महिला को जिला चिकित्सालय पहुंचाया। फायरिंग कर रोड पर खड़ी हुई बस और वाहनों को निशाना बनाया। पत्थर और फायरिंग करके वाहनों में तोड़फोड़ की। हाँ, नहीं तो ये जो घटना कर रहे हैं उनके प्रीवियस करेक्टर क्या है वो भी देख रहे हैं, और कुछ लोग उसमें से अरेस्ट भी हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उसमें भी कार्रवाई हो रही है। हाँ, उस महिला को मैं भी देखने गया था, उनके सिर में चोट है और अभी उनका मेडिकल वगैरह हो रहा है, तो उसके बाद जो है FIR उनकी तरफ से हो रहा है। नहीं होना चाहिए, मेरा मानना तो ये है कि फेसबुक पे और जो है उस पर कोई जो कमेंट होते हैं कई जगह से फॉरवर्ड भी आते हैं, उन चीज़ों को देखें सत्यता क्या है। और कोई अगर कर रहा है तो उसमें लीगली एक्शन लिया जा चुका है, फिर जो है कानून से बढ़ के कोई नहीं है। अभी सर एक मैं ही समझता हूँ कि जो कानून से बढ़ के कोई नहीं है, और फिर उसके लिए जो भी उसके साइड इफेक्ट आएंगे संबंधित को झेलना पड़ेंगे। इसमें तरीके की जो बातें होती हैं उल्टी सीधी चलाई जाती हैं फेसबुक पर, मीडिया पर, पुलिस के संज्ञान में जैसे ही आया उसने FIR पंजीबद्ध की। परसों वाले प्रकरण में भी आज भी जो है कोई उनके जो तरफ से था उनकी तरफ तोड़फोड़ हुई थी, उनकी भी FIR हुई है, उसमें लोग अरेस्ट हुए हैं। पुलिस के द्वारा निरंतर जो है क्लोज वाचिंग करते हुए और उसमें कार्रवाई की जा रही है, और उसके बावजूद ही कुछ लोग हाथ में कानून ले रहे हैं तो उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी। आपने अभी तक TMT चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन की बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।